गाइस न्यू ब्लॉग्स पे आपको स्वागत है गाइस माने ब्लॉग के साथ। और यहाँ पर है मम्मी मेरे साथ। क्या हुआ हमेशा क्या है कि एक्चुअली हम लोग अभी जा रहे हैं फाइनली केदारनाथ। तो आप खुश हो ना? जाना खुशी सब। तो मैं जाऊँ बोल रहे हैं मम्मी और मेरा टिकट बन गया है और आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। टिकट कैसे बन जा रहा है? पैसा नहीं है तो टिकट कैसे बन गया? तो फिलहाल मतलब मम्मी बोल रही है कि पैसा नहीं था तो कहाँ से तू टिकट बनवाया। तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, कंफर्म है कि मैं अभी केदारनाथ जा रहा हूँ। आज से 3 महीना पहले कैंसिल हो गया था तो मम्मी को पैसा दे दिया था, बट इस बार तो मैं जा रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मैं टिकट को फटाफट से कर लेता हूँ और यहाँ से आज मेरे को निकलना है हावड़ा की ओर। और मम्मी को फिर मतलब बाय बोलना पड़ेगा। फिलहाल तो 4 दिन से 5 दिन हो गया मैं यहाँ पर था तो काफ़ी मज़ा आया। तो फिलहाल मैं आज हावड़ा के लिए जा रहा हूँ और खाना, भूख लग रहा है तो खाना लगा दो और टिकट दो मेरे को। टिकट एक्चुअली कल ना मैं टिकट बनवाया था और अपना स्कूटी का डिक्की में ही छोड़ दिया था, बट अभी मैं जैसे जा रहा हूँ तो अपना सामान सारा पैकिंग कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मेरे को जाना है हावड़ा। और ऐसे में भी आज 10 तारीख हो रहा है, 10 लगभग ख़त्म ही हो गया मान लो। अब 11 तारीख कल बचेगा, 14 को मेरा टिकट है हावड़ा से। तो फिर मेरे को थोड़ा बहुत वहाँ भी काम है काफ़ी सारा, तो उसको करके फिर वहाँ से मेरे को जाना है केदारनाथ के लिए और चलेंगे यार यहाँ से। तो मेरे को भूख लग रहा है, पहले तो कुछ खा लेता हूँ उसके बाद मिलते हैं यार। खाना खा लिया, मैं थोड़ा आया हूँ रोड पे और यहाँ पर पीछे में मम्मी मेरा, हम दोनों चल रहे हैं साथ में और हम लोग जा रहे हैं शॉप पे। है मेरा ठेला, यहाँ पर देखो यार समोसा बनते हैं, जलेबी और बड़ा। और यहाँ है मम्मी पापा मेरा और मम्मी है और ये मेरा ठेला है। ये ठेला जो है ना काफ़ी पुराना है, लगभग मेरे ख्याल से 2010-12 टोटल 10-12 साल तो नहीं गया हुआ। पहले मैं भी चलाता था इसी ठेला में और काफ़ी मतलब क्या है मेरे को याद है यार, मैं भी ठेला चलाता था ऐसा, बट अभी तो मतलब नहीं चलाता हूँ और मैं रहता भी नहीं हूँ यहाँ पर एक्चुअली। मैं मम्मी पापा के साथ पीछे मम्मी है। तो फिलहाल तो आज मैं कोलकाता जा रहा हूँ, थोड़ा घर की ओर चलते हैं, फिर आगे बहुत सारे बातें करेंगे जैसे भी है। एक्चुअली में गाइज मेरे को अभी निकलना भी है और ट्रेन जैसे कि 2 से 3 घंटा लेट है ऑलरेडी, तो मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया। और एक्चुअली मैं फटाफट से जाता हूँ, अभी तक तो मैं नहाया भी नहीं हूँ, तो फिलहाल मैं फटाफट जा रहा हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं यहाँ से रेडी होऊंगा क्योंकि मेरे को कोलकाता जाना है, कल 11 हो जाएगा। कल जाकर वहाँ थोड़ा बहुत काम है, 12 को एक काम है मेरे को, 13 को मेरे को सारा केदारनाथ ट्रिप के लिए पैकिंग भी करना है और बाकी चीज़ों को भी रेडी करना है क्योंकि 14 को दोपहर को हम लोग का ट्रेन है हावड़ा से। तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ फटाफट से नहाने के लिए, नहा के उसके बाद रेडी होके फिर चलेंगे मम्मी के पास। फिलहाल तो फटाफट चलता हूँ नहाने के, उसके बाद आपसे मिलते हैं। मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं नहा भी लिया हूँ, देख सकते हो मेरा बाल अभी बहुत ज़्यादा सिल्की है यार। जैसे भी है मेरे को कोलकाता के लिए निकल रहा है, काफ़ी लेट हो रहा था एक्चुअली मेरे को अपने, मेरा जो है रिजल्ट वगैरह वो सब काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा था, बट फाइनली मिल गया इस टाइम। और यहाँ पर है हम लोग का स्कूटी जिसमें हम लोग जाएंगे ये, तो फटाफट से यहाँ से चलते हैं फिर रोड में मिलेंगे। मैं ले आया हूँ मम्मी के पास और मैं यहाँ से जा रहा हूँ मम्मी बाई हम लोग जब मैं अभी जा रहा हूँ केदारनाथ, फिर केदारनाथ से आने के बाद मम्मी से मिलूँगा वापस, जल्दी आता हूँ। और मम्मी है शॉप पे यहाँ पर, और तो फिलहाल तो यहाँ से केदारनाथ भी चलते हैं और लेट भी हो रहा है काफ़ी। चलता हूँ मैं नाश्ता, मेरे लिए नाश्ता लगा रही है यहाँ पर। फिर हम लोग, मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा कोलकाता के लिए। हमें कुछ खाया भी था बट फिर भी दे दे रही इतना सारा। अरे इतना सारा मत डालो, देख लो भाई मेरा दुकान, मैं जल्दी किसी को दिखाता नहीं हूँ, मेरा बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट, बट फिर भी फाइनली मेरे लिए नाश्ता, चलते हैं यहाँ से फटाफट, लेट हो रहा है। आ रहे भाई लोग, फिर चलेंगे, आता हूँ फिर मिलूँगा, तो बाय बाय। मैं आ रहा हूँ, अरे गिर गया। तो फिलहाल तो भाई मैं चलता हूँ यहाँ से, लेट हो रहा है मेरा ट्रेन का टाइम भी हो रहा है, तो भाई लोग आया है। सैप हाय बोल, दिखाई हम दे रहे हैं तो चल भाई, लेट हो रहा है। फाइनल जा रहा हूँ मैं यहाँ से, अब वहाँ से मैं जाऊँगा सीधा केदारनाथ के लिए।
मिलता है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं स्टेशन, मेरे सामने देख सकते हो। और तो फिलहाल फटाफट चलते हैं, ट्रेन का आने का टाइम आ ही गया। फाइनली स्टेशन के अंदर तो आ चुका हूं और अभी ट्रेन लगभग 10 मिनट के अंदर आ जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से सीधा चलेंगे हावड़ा की ओर, फिर वहाँ जाके एक दो दिन का गैप है, उसके बाद फिर वहाँ से भी हम लोग निकलेंगे तीन दिन बाद केदारनाथ के लिए। तो बहुत सारा प्रिपरेशन करना है, बहुत सारा चीज़ें करना है। फिलहाल तो स्टेशन पे ही हूँ, तो ट्रेन का आने का इंतज़ार करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं यार। तो गाइस एक्चुअली हम लोग ना ट्रेन में चल गए थे, पर एक मिस हो गया हम लोग के साथ, सबके साथ यहाँ पर सब लोग ना गलत ट्रेन पर चढ़ गए। हाँ तो एक्चुअली हम लोग मतलब गलत ट्रेन में हम लोग कोई भी नहीं देखे और सब भागते हुए चले गए। तो भैया मेरे को आगे बोला, तभी मेरे को पता लगा, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं लगता और मैं पहुंच जाता सीधा पूरी। सारे के सारे लोग हैं और भी लोग हैं उधर, सब कोई गलत ट्रेन में चढ़ गया। अगला स्टेशन वेट कर रहे हैं और हम लोग का जो ट्रेन में चढ़ना था एक्चुअली वो ट्रेन पीछे में ही है, लोग से जस्ट पीछे में। तो लोग बस वेट कर रहे हैं, अगले आधा घंटे के अंदर आ जाएगा, फिर हम लोग यहाँ से सीधा चढ़ेंगे और फिर हम लोग को अपना ट्रेन में हम लोग चढ़ना है। पर हम लोग गलत ट्रेन में चढ़ गए यार, पता नहीं कैसे सब इतना जल्दी किस बात का था, मेरे को भी और बाकी लोग को भी। कोई भी ट्रेन का लिटरली नाम ही नहीं देखा एक्चुअली, ट्रेन जो है ना ये डाइवर्ट हो गया है। तो फिलहाल तो देखते हैं पूरी जाने वाली ट्रेन है। हाँ क्या बोल रहे हो, पूरी जाने वाली ट्रेन है। आप भी गलत चढ़ गए, बेवकूफ बन गए, पूरी वाली ट्रेन में बैठ गए, पढ़े लिखे हो गए, जाहिल बन गए। कोई नहीं यार, होता है, होता है, होता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो फिलहाल तो हम लोग स्टेशन का वेट कर रहे हैं, उसके बाद सही ट्रेन में चलेंगे। घर तो मैं पहुंच गया एक्चुअली, मेरे को ना अब यहाँ पर थोड़ा रेस्ट लेना है, फिर उसके बाद मतलब ट्रेन में एक्चुअली मेरे फ़ोन में चार्ज ही नहीं था, तो जिस कारण मैं आ गया और ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाया, चार्जर मैं कैरी नहीं किया था। तो फिलहाल तो घर पहुंच गया जैसे, तो अभी मेरे को बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा प्रिपरेशन लेना है, उसके बाद हम लोग को केदारनाथ के लिए निकलना है जैसे भी है। तो फिलहाल तो अगर आपको ब्लॉग पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग पर और बहुत ही सारा मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें होने वाले हैं, बहुत सा क्रेजी थिंग होने वाला है यार, बहुत कुछ होने वाला है जैसे भी है। फिलहाल तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।